डार्क फाइबर इज एक फिजिकल फाइबर, आपको एक और पेयर चाहिए जो कि बहुत एक महंगा और मुश्किल रिसोर्स होता है। फाइबर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट रिसोर्स टू अरेंज। तो उसमें फिर हमारे पास ये कॉस्ट का बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है। कॉस्ट ही हमने बचानी होती है, कॉस्ट बचानी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये हमारा मकसद होता है। तो उसके लिए आप जो मेन चीज है ना, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि हम फाइबर पेयर तो एक ही यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने किया क्या है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी। हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई जिसमें एक सिंगल फाइबर के ऊपर आप मल्टीपल चैनल्स ऑफ 10G, शुरू में जो मल्टीपल चैनल्स थे वो 2.5G के और 10G के थे। क्या आप 2.5G और 10G के चैनल्स को मल्टीपल को आप सेंड कर सकते हो, और वो मल्टीपल चैनल कितनी क्वांटिटी में हो सकते हैं? वो 40, 80, इवन आज के डेट में 160 की भी क्वांटिटी में आप चैनल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो डिफरेंट बैंड्स के ऊपर। उसके बाद हमारी 10G से भी आगे जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। तो फिर वो जो सिंगल चैनल है उसकी जो कैपेसिटी है वो 10G से बढ़ा के 40G की, 40G से 100G की, फिर 100G, 200G, 400G, और अब एट दिस वेरी टाइम आपके पास जो WTM सिस्टम या OTM सिस्टम जो है वो 1 TB भी सपोर्ट करते हैं। मतलब एक सिंगल चैनल 1 TB का है, तो आप देख लें कि 160 या जो डिक्शनरी यहाँ पे अभी करंटली पाकिस्तान में चल रहे हैं वो मैक्सिमम 96 लैम्डा सोल्यूशन चल रहे हैं। तो 96 × 1 TB कैपेसिटी आप सिंगल फाइबर के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये इसका एक मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था। अब इसका ऑब्जेक्टिव है ये हमारे इस कोर्स का, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, ट्रांसमिशन मोड्स एंड बेसिक कंपोजिशन ऑफ WTM। ठीक है जी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से काम कर रहा है, ट्रांसमिशन मोड कौन से होते हैं, बेसिक कंपोजिशन क्या है WDM के सिस्टम की, फिर WDM ट्रांसमिशन मीडिया क्या है उसके बारे में हम इसकी नो हाउ होगी, और एक WDM के टेक्निकल प्रिंसिपल और की टेक्नोलॉजीज जो है उनकी एक हमें इंशाल्लाह गुड कमांड आएगी। इसके कंटेंट्स में सिस्टम ओवरव्यू है, WDM ट्रांसमिशन मीडिया और की टेक्नोलॉजी ऑफ WDM इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, और वो जैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप आगे देखेंगे भी कि जब मैं लेमडास की बात कर रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेकिन उनके आगे कोई फ्रीक्वेंसी लिखी भी होगी 192.1, 192.3, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल इज वेवलेंथ। तो वो हम क्योंकि लाइट में बात कर रहे हैं, लाइट की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो लाइट की जब टर्म्स होंगी तो आप वेवलेंथ की बात कर रहे हो, तो कलर की बात कर रहे हो तो वेवलेंथ की बात कर रहे हो, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट WDM, ठीक है। और जब एक एक WDM है और एक है DWDM। WDM क्या चीज है जी, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक जेनेरिक टर्म। DWDM इज डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के, उसमें बहुत ज्यादा वेवलेंथ हमने इकट्ठी कंबाइन करके लाइक 96 नंबर ऑफ वेवलेंथ को इकट्ठा आपने कंबाइन किया और फिर उसकी मल्टीप्लेक्सिंग की, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। शुरू में जो थे हमारे जी SDM, न्यू ऑप्टिकल केबल लेआउट, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है जी,
उसके बाद आपके पास आया टीडीएम जो कि एसडीएच था, हायर बिट रेट्स थे उसमें, एसपीएम 16, एसपीएम 64 तक उसकी गई, हायर कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसकी कॉस्ट ज्यादा थी और कम्प्लेक्स भी ज्यादा थे। जैसे अभी हमने इवन एसडीएच में देखा है कि वो काफी और है, जो इस तरह की चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। फिर आगे WDM पे आए आप, सही है। WDM जो था वो इकोनॉमिक था, एक सिंगल फाइबर के ऊपर आप मल्टीपल चैनल्स को ट्रांसमिट कर रहे हो, फास्ट है, लाइट में हम जब बात करते हैं लाइट ट्रांसमिशन इज फास्ट, मेजर है, और मतलब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम हो चुका है, तो ये मतलब हमारे लिए काफी, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अब जो है वो मेजर हो चुकी हैं। मतलब ये नहीं है कि यार इस पे कोई ग्लिच आ रहे हैं या इस तरह की चीजें हैं, बहुत मेजर टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। और उसके आगे है TDM+WDM जो कि OTN है, लार्जेस्ट रेट है, जैसा मैं बता रहा था आपको 1 TB तक ये आपको जो रेट्स हैं वो सपोर्ट कर रहा है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चैनल्स है, 60 नंबर ऑफ चैनल्स भी सपोर्टेड हैं इसमें, और लार्जेस्ट सिस्टम कैपेसिटी है। यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे सिस्टम हैं, और आप कुछ दूसरे नेटवर्क्स अगर आप स्टडी करें कोई बाहर के मुल्कों के, तो दूसरे उसके हैं हजार हजार एमईज के ऊपर वो बने हुए हैं नेटवर्क। ठीक है, इतने इतने बड़े नेटवर्क्स हैं। CMC जो है, चाइना मोबाइल, जो चाइना का एक जो है उसकी बहुत बड़ा नेटवर्क है ट्रांसमिशन, तो इट्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ एमईज उनमें होती है, एग्रीगेट की होती है डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स में। द लीनियर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इंक्रीज ऑफ स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग थी, इज इंप्लीमेंटेड बाय एडिंग ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ट्रांसमिशन डिवाइसेस। TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इवॉल्व्स फ्रॉम प्राइमरी रेट मल्टीप्लेक्सिंग इनटू क्वार्टरनरी ग्रुप्स इन लेगेसी PDH2, जो PDH से हमने शिफ्ट किया था SDH के ऊपर, वो STM1 के ऊपर मैप हो रही थी हमारी PDH की सर्विसेज, तो STM1, STM4, STM16 एंड STM64 तक हो गई थी। ठीक है जी, इसका डिसएडवांटेज क्या था, सर्विस जो थी वो अफेक्टेड थी उनके ऊपर, वो जैसा कि हमारी ऑप्टिकल लेवल पे हम जैसा WDM पे अभी आप देखेंगे कि हम प्रोटेक्टेड उनको सर्विसेज को कर रहे होते हैं, उस तरह से यहाँ पे नहीं था। रेट अपग्रेड जो था वो एज सच फ्लेक्सिबल नहीं था, एक्सपेंशंस जो थी वो हम फ्लेक्सिबली नहीं कर पा रहे थे उसमें। और तीसरा डिसएडवांटेज था फॉर हायर रेट TDM डिवाइस, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी, जैसे 40G का जो नेटवर्क जो STM256 हमारा बढ़ रहा था उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आई थी। ठीक है, और WDM क्या कर रहे थे, WDM मल्टीप्लेक्सेस ऑप्टिकल सिग्नल्स एट मल्टीपल रेट्स, जिनको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ्स कहा जाता है, ओवर वन फाइबर फॉर ट्रांसमिशन। डिफरेंट वेवलेंथ्स को एक फाइबर के ऊपर आप मल्टीप्लेक्स करके ट्रांसमिट कर देते हैं। द डिजिटल सिग्नल्स कैरिड बाय दीज ऑप्टिकल सिग्नल्स The digital signals carried by these optical signals can have the same rate and data format or different rates and data formats. ठीक है, उन different optical signals में different type of services, different rates जो है कि services, कोई 2.5G की हो सकती है, कोई 1.25G हो सकती है, different different आप services जो है वो एक single wavelength के ऊपर carry कर सकते हैं। ठीक है जी, न्यू वेवलेंथ्स कैन बी डिप्लॉयड ऑन ए नेटवर्क टू एक्सपैंड द नेटवर्क कैपेसिटी बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब जैसे SDH में मैं आपको बता रहा था, SDH में क्या था कि अगर आपने 10G कैपेसिटी अपने लिंक की बढ़ानी है तो आपको एक न्यू फाइबर पे वो डिप्लॉय, नया SDH करना पड़ेगा, लाइन, न्यू लाइन आपको वहां पे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि आपने सिंपल हार्डवेयर में कुछ एडिशंस करनी है, आपको फाइबर न्यू डिप्लॉय नहीं करनी, जस्ट हार्डवेयर में आपने कुछ कार्ड्स ऐड करने हैं,
कुछ थोड़ी सी एक कमीशनिंग आपकी होगी और आपका 10G या 40G या 100G तक का भी लैम्डा आप आराम से अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपकी कैपेसिटी इस तरह से सीमलेसली अपग्रेड हो जाएगी। व्हाट इज WDM? WDM क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे आपकी इसमें हाईवे की एग्जांपल दी हुई है, हाईवे की एग्जांपल को ले लें, या आप एक ट्रेन की एग्जांपल ले लें, ठीक है। उसमें होता क्या है कि एक हाईवे है, सही है, हाईवे है, हाईवे आपको एक पैसेज दे रही है, एक पाथ दे रही है। उस पाथ के ऊपर डिफरेंट कलर्स के कंटेनर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। डिफरेंट कलर्स के कंटेनर्स हैं, वो कंटेनर्स उस पाथ के ऊपर चल रहे हैं और उनकी डेस्टिनेशंस डिफरेंट है। वो डिफरेंट गुड्स जो है, डिफरेंट किस्म का सामान, या हम उस सामान को ट्रैफिक ही कह देते हैं कि वो डिफरेंट ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं, डेस्टिनेशंस डिफरेंट हैं, लेकिन पाथ है पूरा सेम है। उस पाथ के ऊपर जाते हैं वो, ठीक है, वो उस पाथ के ऊपर जाएंगे और उस पाथ पे जहां पे उसकी डेस्टिनेशन होगी, जिस कंटेनर की, जिस कलर्ड कंटेनर की जो डेस्टिनेशन होगी वो उधर ड्रॉप हो जाएगा और जिसकी आगे डेस्टिनेशन होगी वो आगे चला जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आ रही है, पेट्रोल कार, ठीक है। पेट्रोल कार को इन्होंने मतलब ऐसे किया है जैसे आपका सुपरवाइजरी चैनल होता है, ठीक है। एक आपका मेन चैनल है जिस पे आपकी ट्रैफिक जा रही है, सही है, और एक ये है, ये जो है आपका सुपरवाइजरी चैनल साथ साथ जा रहा है। सुपरवाइजरी चैनल के बारे में हम आगे भी देखते हैं कि वो क्या करता है। एक्चुअली इट्स प्रोवाइडिंग यू द सुपरविजन ऑफ द नेटवर्क, मतलब जो एनी है, जो सिग्नल है, उसकी एक सुपरविजन जो है, ऑप्टिकल सुपरवाइजरी चैनल, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। मींस कि एक WDM का जो सिस्टम होगा उसमें दो तरह के चैनल्स होंगे। एक आपका मेन चैनल होगा जिसमें मेन लाइट आपकी वो ट्रेवल कर रही होगी, मेन लाइट ट्रेवल कर रही है, मतलब कि मेन लाइट विच इज कैरिंग द ट्रैफिक। और जो दूसरी चीज है वो है सुपरवाइजरी चैनल, जो कि सुपरविजन के लिए यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वो इसको डिस्क्राइब भी किया है कि हाईवे जो है वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है, पेट्रोल कार क्या है, सुपरवाइजरी चैनल है, रिफ्यूलिंग स्टेशन, रिफ्यूलिंग स्टेशन इज व्हाट के रिजनरेशन जहाँ पे यूज होती है। रिजनरेशन का कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्रे कार क्लाइंट सर्विसेज है, ठीक है, ग्रे कार जो है वो क्लाइंट सर्विसेज है, या आप इसको गुड्स कह लें। ये लोड कहाँ पे होंगी, कलर्ड कार में, जो कि क्या होगा, लैम्डा होगा। जैसे SDH के अंदर कंसेप्ट था ना क्लाइंट सर्विस, लाइन सर्विस, इसी तरह से इसमें भी एक क्लाइंट साइड होगी, एक क्लाइंट साइड होगी। क्लाइंट साइड इज व्हाट, जो कि आपके क्लाइंट से कनेक्ट हो रही है। क्लाइंट कैन बी एनीथिंग, आप SDH भी कह सकते हो, SDH को एज ए क्लाइंट ले सकते हो, आप किसी स्विच को एज ए क्लाइंट ले सकते हो, आप किसी राउटर को एज ए क्लाइंट ले सकते हो, ठीक है। तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक अपने सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, सही है, और उस पे आपको WDM जो है ना वो एक पाथ दे रहा है, जस्ट के एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है कि आप सीमलेसली जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। कलर्ड कार जो है वो आपका वो वेवलेंथ्स है, और जो लेन है वो ऑप्टिकल वेवलेंथ, ठीक है, जो लेन है वो ऑप्टिकल वेवलेंथ है, और कलर्ड कार क्या है, सर्विस, डिफरेंट चैनल। इफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज रिगार्डेड एज मल्टी लेन हाईवे, ए ट्रेडिशनल TDM सिस्टम यूजेस ओनली वन ऑफ द लेन्स, ठीक है। जो ट्रेडिशनल TDM है, जो आपका SDH था, ठीक है, वो जस्ट एक ही लेन यूज करेगा, एक ही लेन के ऊपर। वो ग्रे लाइट होती है ना उसकी, ठीक है, ग्रे लाइट और कलर्ड लाइट का किसी को कंसेप्ट है तो बता सकता है कोई?
हेलो, कोई भी एक छोटा सा अगर कोई आइडिया देना चाहे। करवाना, आप डिफाइन कर ले तो बस इस बारे में। जैसे ग्रे लाइट है और कलर्ड लाइट का एक कंसेप्ट है ना, ये क्या है? आपके जो वाइट स्पेक्ट्रम के जो आपके एसएफपीज होते हैं, जैसे आपको क्लाइंट्स के मोस्टली एसएफपीज जो नजर आ रहे होते हैं वो 1310 के या 1550 के होते हैं, राइट? तो 1550 और 1310, ये जो क्लाइंट साइड के एसएफपीज हैं इनको ग्रे लाइट कहा जाता है, ठीक है? ये ग्रे एसएफपीज होते हैं, सही है? और जो दूसरी है ना एसएफपीज, जिनके ऊपर कोई एक डिफरेंट सा नंबर 15 to 9, 15 to 1, 15 to 3 इस तरह करके लिखा हुआ होता है, और सी बैंड लिखा हुआ होता है, ठीक है? सी या सी प्लस करके कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसके आगे फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई होती है। उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है 192.1, 192.2। वो जो होती है हमारी कलर्ड लाइट होती है, ठीक है? ग्रे लाइट जो है वो आपका मेन एक डार्क फाइबर के ऊपर आप सेंड करते हो, और जो कलर्ड लाइट होती है वो आप मल्टीप्लेक्सर के ऊपर भी आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्या वो मल्टीप्लेक्सर के ऊपर जाए और आगे किसी DWDM सिस्टम के ऊपर मल्टीप्लेक्स हो जाए। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि SDH के अंदर भी ग्रे लाइट का इंटरफेस यूज कर रहे हैं, ठीक है? कि SDH की जो लाइन साइड है वो उन्होंने ग्रे ओ सॉरी कलर्ड SFP लगाई भी, ठीक है? SDH की लाइन साइड पे कलर्ड SFP लगाई भी और वो डायरेक्ट आगे जा रही होती है मल्टीप्लेक्सर, सही है? तो वो SDH डायरेक्ट ही एक मल्टीप्लेक्सर में जाके आगे डी मल्टीप्लेक्स होके डायरेक्ट SDH पे कनेक्ट होगा, ठीक है? सर, ये कैंडी कलर्ड एंड ग्रे कलर्ड का कॉन्सेप्ट आप दोबारा रिपीट कर देंगे? एक चीज इसमें और बताएं, जिसका कुछ इक्विपमेंट्स है हमारे पास, VSN 3500 है और दूसरी तरफ VSN 1800 है। इसमें एक साइड पे हमारे पास कलर SFP लगी है, एक तरफ ग्रे लगी हुई है। तो मतलब कि जो ग्रे का चैनल है वो तो ओके है 3500 पे, लेकिन जो चैनल हमारा कलर का है वो अलार्म जनरेट करता है, उसको कैसे रिमूव, मतलब उसकी क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है? कार्ड चेंज होगा, आपको फैसिलिटी चेंज की जाएगी? दोनों तरफ कलर्ड SFP लगानी पड़ेगी। दोनों तरफ कलर्ड है, SFP लगने के बावजूद उसमें अलार्म आते हैं। नहीं वो फिर वो उसका क्या कहते हैं, कोई डिस्प्रेशन या इस तरह कोई चीज उसको मिल रही होगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, टिश्यू से। अच्छा, ये आपका दैट से ग्रे चैनल है, ठीक है? ये ग्रे चैनल है। ग्रे चैनल में एक्चुअली होता है क्या, आपका वाइट स्पेक्ट्रम होता है ऐसे करके, ठीक है? इसको रिसीव करना ज्यादा इजी है, ठीक है? इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जो फिल्टर है वो आपका मतलब लार्जर बैंड होगा, बड़ा बैंड पास फिल्टर होगा तो वो भी आपके सिग्नल को कैच कर लेगा, लेकिन जो कलर्ड SFP होगी ना उसका जो होगा वो ऐसे करके नैरो बैंड होगा, ठीक है? तो उसके लिए हमें जो रिसीवर्स हैं दूसरे एंड पे वो नैरो बैंड वाले फिल्टर्स हमें चाहिए, ठीक है? ये कलर्ड है, ये किसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे है, लेकिन ये जो है ये क्या है, वो है ब्रॉड बैंड है ये, ठीक है? ग्रे फ्रिक्वेंसी जो होती है ये 1550 हो गई, 1310 हो गई नैनोमीटर, उसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी 1550 होगी, लेकिन जो उसका स्पेक्ट्रम होगा वो स्प्रेड होगा, वो फैला हुआ होगा, सही है? लेकिन ये वाला जो है, ये जो नैरो बैंड है ये एक सिंगल कलर होगी जिसका छोटा सा वो होगा फ्रीक्वेंसी होगी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी उसकी जो है वो थोड़ी सी होगी, सही हो गया?
तो इसलिए हमें ब्रॉड जो ग्रे लाइट है वो तो रिसीव हो जाती है, ठीक है, ग्रे लाइट हमें रिसीव हो जाती है दूसरे एंड पे भी आराम से, लेकिन जो कलर्ड होगी उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट्स आपकी ज्यादा है। कलर्ड एसएफपी के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा है, आपका रिसीवर जो है वो कलर सेंसिटिव ही होना चाहिए और आपका मीडिया भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसको डिस्पर्शन मिलेगी। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी सर, बेसिकली ट्रैफिक दोनों बैंड्स पे कैरी हो रही होती है, कलर्ड एंड ग्रे बैंड हाँ दोनों पे ट्रैफिक कैरी हो रही होती है या सिर्फ कलर्ड पे हो रही होती है? हाँ हम कलर पे भी कर सकते हैं, कलर पे कलर एस एफ पी पे एस पी एच के लिंक्स होते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक डिस्पर्शन होती है क्वालिटी फाइबर की, ठीक है, सही है जी, डिस्पर्शन होती है फाइबर की क्वालिटी। डिस्पर्शन क्या कह रही डिस्पर्शन क्या कह रही है, डिस्पर्शन सिग्नल को डिग्रेड कर रही है। डिग्रेड कर रही है, डिग्रेड तो कर रही है, लेकिन वो जो उसका स्पेक्ट्रम है ना वो जो है वो फैला देती है, ठीक है, तो आपका जो ये सिग्नल चला था ना जो कलर्ड का नीचे वाला, ठीक है, वो आफ्टर डिस्पर्शन कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब ग्रे टाइप का ही हो जाता है, सही है, तो उसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो उसको इसमें से पास करना फिर मुश्किल हो जाता है कलर्ड मॉड्यूलेटर्स डिमॉड्यूलेटर्स के लिए, ठीक है, कलर ट्रांसीवर्स के लिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आगे आपको डीसीएम लगाना पड़ेगा, सही है, डिस्पर्शन कंपनसेशन मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, वो डिफरेंट फिर आपको आप इक्विपमेंट ऐड करेंगे तो आपका काम चलेगा, सही है, या फिर आप डब्ल्यूडीएम टेक्नोलॉजी यूज करें जिसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी है। जब WDM पे हम आगे फर्दर जाएंगे ना तो मैं आपको डिस्पर्शन का भी बताऊंगी, फिर DCM कंपनसेशन हम कर रहे होते हैं, डिस्पर्शन कंपनसेशन, ठीक है जी, ताकि जो आपके स्पेक्ट्रम है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है जी, यहाँ तो क्लियर है। जी ठीक सलमान जी, ये प्लीज डिफरेंशिएट कर देंगे, जो ग्रे लाइट है हाँ जी वो क्लाइंट साइड पे हम ग्रे क्यों यूज करते हैं और दूसरी तरफ कलर क्यों करते हैं, इनमें फर्क क्या है? यार, क्लाइंट साइड जो है ना, देखें आपकी क्लाइंट साइड, एक तो इनकी कॉस्ट है, ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है इनकी कॉस्ट है कि कलर्ड एसएफपी जो होगी आपकी उसकी कॉस्ट ज्यादा है, ग्रे लाइट की एसएफपी उसकी कॉस्ट आपकी कम है। दूसरा, ग्रे लाइट जो यूज होती है ये होती है स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है, और जो कलर्ड लाइट है वो मोस्टली आपके WDM सिस्टम्स के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है, या फिर अगर आप एंड टू एंड भी करना चाह रहे हैं, मतलब कलर लाइट का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि आपने आगे मल्टीप्लेक्सेस वगैरह अगर कोई लगाए हुए हैं कि किसी दूसरी वेवलेंथ के साथ भी आप मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल वेवलेंथ पे आप जाना चाह रहे हो तो वो उसके लिए कलर्ड वेवलेंथ, ठीक है, जो आपकी क्या कहने जो इन बिटवीन जो है जितनी भी कम्युनिकेशन होगी डिवाइसेस की, लॉन्ग हॉल पे नहीं, मेट्रो में या इवन इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट, वो आपकी ग्रे लाइट्स में हो रही होती है, तो इसीलिए आपको क्लाइंट साइड की एसएफपी जो है वो हमेशा ग्रे लाइट की ही दी जाती है, 1310 होती है या 1550 होती है, क्यों, क्योंकि उसने इतना ट्रेवल नहीं ना करना, उसने इतना ट्रेवल नहीं करना, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका कितना डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, या तो मेट्रो में, हाँ मेट्रो में आपको ग्रे लाइट की एसएफपी अक्सर 80 किलोमीटर तक भी मिल जाती है, वो भी 80 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आपकी ग्रे लाइट काम कर रही होती है, डिफरेंट पीटीएम के नेटवर्क से एसडीएच के नेटवर्क जो है उन पे वो एसएफपीस लगी हुई होती है, ठीक है, लेकिन जो कलर्ड लाइट है उसका मकसद ये है कि मतलब मेन मकसद उसका ये है कि आप उसको मल्टीप्लेक्स करके, ठीक है, और फिर आप मल्टीपल वेवलेंथ्स के साथ आप उसको आगे भेज सकते हो,
ठीक हो गया। यहाँ तो क्लियर है, ठीक जी ओके हो गया। आगे चलते, अच्छा ये जो ट्रेडिशनल टीडीएम सिस्टम यूजेस ओनली वन ऑफ द लेन्स टू इंप्रूव द बिट रेट ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम द स्पीड ऑन द लेन मस्ट बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द ट्रैफिक विद इन टाइम यूनिट हाउएवर अ डेंस डब्ल्यूडीएम डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम यूजेस ऑल दीज लेन्स ऑन द हाईवे टू फुली यूटिलाइज द फाइबर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि टीडीएम में क्या हो रहा है कि हर टाइम स्लॉट पे आपको एक पैकेट मिल रहा है ना, और फिर उसके बाद वो सारी वो कंजेशन टाइप सी हो रही है, एक ही लेन है अगर, सही है। डीडब्ल्यूडीएम आपको क्या कर रहा है जी, डीडब्ल्यूडीएम आपको मल्टीपल लेन्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि एट द सेम टाइम उन सारी लेन्स के अंदर ट्रैफिक को कैरी कर रहा है। ठीक है, मतलब जितनी आपकी लेन्स हैं, जितने आपके लैम्डास हैं, उनमें टाइम कॉन्स्टेंट आपका नहीं रहा, सारी ट्रैफिक आपकी सारे चैनल्स एक सेम टाइम के ऊपर ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो टाइम डिलेज हैं वो भी हमारे डीडब्ल्यूडीएम के सिस्टम्स में कम। डब्ल्यूडीएम कंसेप्ट पे आ जाते हैं, डब्ल्यूडीएम रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ऑप्टिकल सिग्नल्स एट मल्टीपल वेवलेंथ्स टू ट्रांसमिट ओवर वन ऑप्टिकल फाइबर। यही जो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि लेट से आपकी तीन तरह की ट्रैफिक है, सही है, एक एसपीएस सिग्नल है, एक आईपी पैकेज है, और ये कोई टीम के सेल्स, सही है। एसपीएच के सिग्नल को आपने एक लेमडा एक वेवलेंथ के ऊपर मैप किया, आईपी के पैकेज को दूसरे वेवलेंथ के ऊपर पैक किया, और जो एटीएम का सेल है उसको आपने एन वेवलेंथ के ऊपर आपने मैप कर दी। ठीक है, और वो सारे मल्टीप्लेक्स होके एक ही सिंगल लाइट के ऊपर मैप होके आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल फाइबर पेयर है और उसके ऊपर मल्टीपल सर्विसेज मल्टीपल चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिट हो रहे हैं। द डीडब्ल्यूडीएम टेक्नोलॉजी यूजेस अ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एज कैरियर्स एंड ट्रांसमिट्स द कैरियर चैनल्स ओवर द सेम ऑप्टिकल फाइबर। Generally, the DWDM technology is in use with single mode optical fiber. Mostly आपकी जो long haul की या high distance की जो transmission है वो आपकी single mode fiber के ऊपर ही हो रही होती है। Multi mode fiber आपकी use होती है, लेकिन multi mode fiber is for lower distance. They have low loss. But provide large bandwidths. In contrast to a single channel system, DWDM considerably enlarges the network capacity by fully utilizing optical fiber bandwidth. It features simple expansion, reliable performance, and especially direct access of multiple services, showing a bright future in application. वो यही बात कह रहा है कि जो DWDM systems हैं आपकी system capacity को एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा लार्जर कैपेसिटीज में आप डाटा कैरी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जैसे 5G की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसमें क्या होगा कि हमें कैपेसिटी की ही जरूरत है, हायर कैपेसिटीज की जरूरत है, जो कि हमें फुलफिल कौन करके दे रहे हैं, DWDM करके देगा। सिस्टम आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं, WDM सिस्टम आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या है, ऑप्टिकल ट्रांसपोंडर यूनिट है OTU जिसको कहते हैं, ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर और ऑप्टिकल डीमल्टीप्लेक्सर है OMU और ODU जो कि आपकी वेवलेंथ को मल्टीप्लेक्स या डीमल्टीप्लेक्स कर रहे होंगे, ऑप्टिकल एम्पलीफायर है जो कि एक की सिग्नल को जो मेन सिग्नल होगा उसको बूस्ट करेंगे और फिर आगे फाइबर पे ट्रांसमिट करेंगे, और फिर ऑप्टिकल सुपरवाइजरी चैनल है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी चैनल OSC और ESC। इनका क्या मकसद है, इनका मकसद है सुपरविजन ऑफ द नेटवर्क
ठीक है, इसकी बेस पे डिफरेंट सुपरविजन, डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, और आगे जो हम एसोन का पढ़ेंगे उसमें भी आप चीज ये देख रहे होंगे कि ये चीजें किस तरह से काम कर रही है। ठीक है जी, तो मेन जो WDM सर्विस सिस्टम आर्किटेक्चर है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऑप्टिकल ठीक है, यहाँ पे ए नोड है सही है, और इसको आप बी नोड कहते हैं, सही हो गया, ये ए नोड है और बी नोड है। अब ए नोड में भी ए नोड में भी आपका डी मल्टीप्लेक्सर भी होगा, ये जो है ना यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर भी होगा, रिसीविंग एम्पलीफायर भी होगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसमिट एंड बनाया है, रिसीविंग एंड पे भी आपका एक पूरा वो चीज होगी, यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर होगा और ये OTU लगे हुए होंगे, उनकी रिसीविंग साइड होगी और यहाँ पे रिसीविंग एम्पलीफायर होगा। मीन्स कि आपकी हर डायरेक्शन के लिए, हर एड ड्रॉप डायरेक्शन के लिए, जब मैं एड ड्रॉप की बात कर रहा हूँ तो वहां पे किस चीज की बात हो रही है कि लैम्डा एड हो रहा है या लैम्डा ड्रॉप हो रहा है, रिसीव हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, आपका पेयर होगा हर डायरेक्शन के लिए, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का आपके पास पेयर होता है। ठीक है, सिंगल ये नहीं होता कि एक मल्टीप्लेक्सर है, एक जगह पे मल्टीप्लेक्सर है, एक जगह पे डी मल्टीप्लेक्सर है, डुप्लेक्स हमारी ये ट्रांसमिशन है, तो दोनों एंड पे मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर का पेयर होगा। अब ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, ऑप्टिकल ट्रांसपोंडर यूनिट हमारे पास क्या करते हैं जी, कन्वर्ट्स डाइवर्स वेवलेंथ्स टू स्टैंडर्ड वेवलेंथ स्पेसिफाइड बाय ITUT यूजिंग द ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल स्कीम्स। ठीक है जी, दैट इज पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव डायोड, पिन डायोड होता है या एवलॉज फोटो डायोड होता है। ये डिफरेंट किस्म के रिसीवर्स हैं आपके, डायोड्स जो हैं, ठीक है, इनकी एक रिसीवर सेंसिटिविटी होती है, मोस्टली APDs की रिसीवर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, पिन की रिसीवर सेंसिटिविटी कम होती है, सही है। ये लाइट के रिसीवर्स, लाइट जो है ना आपकी जो लाइट सिग्नल है उसके रिसीवर्स है, इन पे सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को ये वोल्टेजेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वोल्टेजेस में कन्वर्ट करके जो TTL लेवल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 0-1 की फॉर्म में जो आप ट्रांसमिट कर रहे होते हो उस पे वो कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे उनके ऊपर DSPs और FPGAs के थ्रू क्या कहते हैं प्रोसेसिंग हो रही होगी, और फिर उसके बाद दोबारा उसकी ऑप्टिकल कन्वर्जन हो रही होगी। ठीक है, रिसीव सिग्नल रिसीव हुआ, सही है, सिग्नल रिसीव हुआ, रिसीव होके उसने उसको इलेक्ट्रिकल चैनल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल चैनल में कन्वर्ट करके उसके ऊपर सिग्नल प्रोसेसिंग की, जो भी उसने करना था मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किया, और फिर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के बाद हमने उस सिग्नल को दोबारा ऑप्टिकल में चेंज किया। ऑप्टिकल में क्यों चेंज किया, क्योंकि आगे यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जो हमारी कनेक्शन है, क्लाइंट साइड पे जो हमारा कनेक्शन है वो भी ऑप्टिकल लेवल पे ही है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग टू ऑप्टिकल अगेन। लेकिन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, वो सारी हमारी इलेक्ट्रिकल लेवल्स पे हो रही होती है। OMU जो है ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग यूनिट लोकेटेड एट द ट्रांसमिट एंड। ठीक है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिट एंड पे आपका OMU होगा, रिसीविंग एंड पे आपका ODU होगा।
OMU क्या कर रहा है, डिफरेंट कलर्ड वेवलेंथ्स को कंबाइन करता है और आगे फिर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट चैनल्स होंगे, डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, OMU 40 लैम्डास का भी हो सकता है, OMU 20 लैम्डास का भी हो सकता है, 80 लैम्डास का भी हो सकता है, लेकिन 80 लैम्डास में और डिफरेंट एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जो तो ये मैं इंटरलीविंग उसको कहा जाता है, तो उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद, ठीक है। और इसी तरह ODU है, ODU जो है वो इनवर्स है OMU का। OMU क्या कर रहा था, मल्टीपल चैनल्स को रिसीव करके आगे एक सिंगल लाइट चैनल में ट्रांसमिट कर रहा था। ODU क्या कर रहा है, सिंगल लाइट को रिसीव करता है और आगे मल्टीपल चैनल्स में उसको डिवाइड कर देता है। जैसे उस दिन भी बात हुई थी, जैसे प्रिज्म कर रहा होता है ना, प्रिज्म के ऊपर आप लाइट जब भेजते हैं, प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो व्हाइट लाइट को आगे डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। वो जो रेनबो के कलर्स होते हैं, वो रेड येलो ग्रीन इस तरह करके वो उन कलर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, काइंड ऑफ वो डीमल्टीप्लेक्सिंग कर, और इनके अंदर जो है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स का आइडिया है किसी को? डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स वो हैं कि जिनको आप एनर्जाइज करते हो, ठीक है, जिनकी वर्किंग के लिए आपको उनको एनर्जाइज करना, उनको पावर अप करना जरूरी है, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को जब तक आप पावर अप नहीं करेंगे वो गेन आपको नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो ऑप्टिकल ट्रांसपोंडर यूनिट है, इसमें प्रोसेसिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको पावर अप नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर और ऑप्टिकल डी मल्टीप्लेक्सर, इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इनके अंदर सिंपल फिल्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है, AWG फिल्टर उनको कहते हैं, ऑगमेंटेड वेवगाइड फिल्टर होते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव एलिमेंट्स हैं एक्चुअली ये पैसिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इस तरह की ऐड कर दी हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से इनको हम अब आज के दौर में पावर अप करेंगे तो ही ये काम करेंगे। लेकिन जो इसके अंदर AWG है, दैट इज द पैसिव एलिमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो कि आपको पैसिव मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर भी दे रहे होते हैं, ठीक है, कि उनको पावर अप करने की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल आपने जस्ट उनको वहां पे WDM सिस्टम पे रखा हुआ होता है, उसके अंदर सिग्नल आप दे रहे होते हैं, वो विदाउट एनी पावर अप वो क्या कर रहे हैं, उस सिग्नल को डिवाइड करके आगे भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसिव मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर भी होते हैं। और तीसरी चीज एक जो पैसिव होती है वो होती है DCM, डिस्पर्शन कंपनसेशन मॉड्यूल, ठीक है। डिस्पर्शन कंपनसेशन मॉड्यूल क्या होता है, वो डिस्पर्शन आगे आएगी तो हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर में ये तीन तरह के आगे इन्होंने एम्पलीफायर दिए हुए हैं, इसमें BA है, LA है और PA है। BA इज बूस्टर एम्पलीफायर, LA is line amplifier and PA is preamplifier. Booster amplifier क्या कहता है कि आप जब transmit end पे आप transmit कर रहे हो, कोई signal आप भेज रहे हो, तो उसके amplitude को हम बढ़ाते हैं as per requirement. वो requirement क्या होती है कि यार हमारी आगे fiber कितनी लंबी है, ठीक है, जो आपके ODUs यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, ODUs जिन पे हमने बात की थी, यहाँ पे क्या होते हैं, पिन डायोड होंगे या एवलांच फोटो डायोड होंगे, जिनकी एक रिसीवर सेंसिटिविटी होगी कि ये मिनिमम जो है ना इतनी पावर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि यार हम ट्रांसमिट एंड से हम इतनी पावर भेजें, इतना इन लैम्डास को बूस्ट अप कर दें कि
आगे वो जो फाइबर पे जो उसको वो मार पिटनी है ना एक सिग्नल को, ठीक है, वो सिग्नल का वो फाइबर का होता है एक पॉइंट लॉस, ठीक है, पॉइंट लॉस मतलब वन सेकेंड। पॉइंट लॉस क्या होता है फाइबर का, कि एक फाइबर पे एक सिग्नल जा रहे हैं तो आपको अगर फाइबर के वेंडर हैं कोई या आप ऑपरेटर हैं और फाइबर आप लोगों ने कहीं से एक्वायर की हुई है, तो उसमें ना बताया जाता है कि हमारी फाइबर का जो पॉइंट लॉस है ना वो 0.25 dB, ठीक है, या 0.3 dB है। उसका क्या मतलब होगा कि हर किलोमीटर के बाद 0.3 dB लॉस ऐड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से जो पावर ट्रांसमिट एंड से जो पावर आपकी चलेगी वो 1 किलोमीटर के बाद 0.3 dB कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर लेट से यहाँ पे हम एम्पलीफायर नहीं लगाते, एक OTU की जो पावर है वो होती है कोई कहने 2 dB है, सही है, और ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, ठीक हो गया, तो वो 2 dB में 0.3 × 100 करें 30 dB लॉस आ गया, तो यहाँ पे जो रिसीव होगी वो होगी -28 dB। इस OTU की रिसीवर सेंसिटिविटी हम कह रहे थे मैक्सिमम भी कह रहे हैं तो -21, सही है। अब -21 तक सिग्नल तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो रिसीव हो रहा है -28, बल्कि ये ओडीयू का अपना एक इंसर्शन लॉस भी होता है, उसके बाद तो वो -34 समथिंग करके कुछ हो रहा होगा, तो ये तो रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। तो उस चीज को सारे को मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर डिजाइन किए जाते हैं कि यार हमारा इतना डिस्टेंस है तो हम इतने गेन वाला ऑप्टिकल एम्पलीफायर यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या होगा आपको यहाँ पे एटलीस्ट सिग्नल मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे तकरीबन क्या कह लेते हैं कि 20 dB या 15 dB गेन के साथ एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाते हैं, तो यहाँ से जो हमारी पावर 2 dB ट्रांसमिट हो रही थी अब वो 17 dB हो रही होगी, सही है, नेट से, और फिर वो 17 dB यहाँ पे 30 dB के बाद कितनी हो जाएगी, -13 dB हो जाएगी, तो -13 dB को ये डिटेक्ट कर लेगा और आपका सिग्नल ऑफ हो जाएगा, सही है जी। तो ट्रांसमिट भी करना है और ट्रांसमिट करते हुए भी एम्पलीफाई करना है, और फिर बीच में अगर फर्स्ट करें आपका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लंबा है, ठीक है, कोई 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर का दोनों एयर ड्रॉप नोड्स के बीच में डिस्टेंस है, तो आप बीच में यहाँ पे एक ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन लाइन एम्पलीफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। लाइन एम्पलीफिकेशन इज लाइक इस तरह से है, OLA नोड इसको कहा जाता है, टाइप ऑफ DWDM साइट्स जो है या DWDM के जो टाइप्स होती हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि OLA है क्या, तो आप एक OLA नोड ऐड कर देंगे। OLA नोड का सिर्फ एक ये मकसद है कि जो भी यहाँ से सिग्नल आएगा उसको आप एम्पलीफाई कर देंगे, ठीक है, री एम्पलीफाई कर देंगे उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड आप दोबारा बढ़ा देंगे, और फिर वो आगे इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो रिसीव होगा तो रिसीविंग के बाद भी आपने इसको एक दफा री एम्पलीफाई करना है, और फिर आप डीमल्टीप्लेक्सर को हैंड ओवर कर दोगे, फिर डीमल्टीप्लेक्सर उस वेवलेंथ को एक्वायर करेगा, निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और OTU को दे देगा, ठीक है जी। ये हो रहा है, अब इनके ट्रेड ऑफ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन ए नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एरबीएम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर जो हमारे मोस्टली कॉमनली जो यूज हो रहे हैं जितने भी DWDM सिस्टम्स में वो EDFAs हैं, एरबीएम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स हैं,
ठीक है। और फाइबर रेमन एम्पलीफायर्स जो है, रेमन एम्पलीफायर्स जो के आरपीसीज भी आपने अगर अपने सिस्टम्स में देखे हैं, आरपीसीज लगे हुए हैं, आरएयूज लगे हुए हैं, आरएपीएक्सएफ लगे हुए हैं, वो रेमन एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो रेमन एम्पलीफायर हम रिसीविंग एंड पे तब लगा रहे होते हैं जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई, लाइक इट्स ग्रेटर देन 100 किलोमीटर्स, और या फिर इतना बुरी फाइबर है कि फाइबर बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है कि आपको 50-70 किलोमीटर के बाद भी आपको रेमन की जरूरत पड़ गई है, कि लॉस इतना ज्यादा हो गया कि आपको रेमन एम्पलीफायर की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो रेमन एम्पलीफायर तब लगाया जाता है वो, इसका क्योंकि मैकेनिज्म डिफरेंट है, ये वर्क डिफरेंट तरीके से करता है। एफबीएम डॉट एम्पलीफायर जो है वो आपको सिंपली गेन दे देगा, लेकिन रेमन एम्पलीफायर जो है इसके लिए फाइबर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस पे रिफ्लेक्शन फाइबर पे नहीं होना चाहिए, लॉस इवेंट नहीं होना चाहिए, फिर कहीं जाके आपको रेमन एम्पलीफायर आपके काम करते हैं। दैट इज वाई, क्योंकि उस वजह से क्योंकि मोस्टली जो है फाइबर यहाँ पे उस हद तक अच्छी मेंटेनेंस नहीं होती, फाइबर जो है वो डिग्रेडेड होती है, स्पेशली ओडीएफ वगैरह के पास से तो काफी ज्यादा डिग्रेडेशन आ जाती है। फाइबर टीम्स बस स्प्लाइस कर देती हैं, बेड स्प्लाइस आ गया, उससे आपको क्या होगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगी, रिफ्लेक्शन आएगी तो रेमन साहब जो है ना हमारे, वो आपको गेन देंगी, वो अपनी लेजर ही नहीं ऑन करेंगे, वो कहेंगे भाई मुझे रिफ्लेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो वो लेजर नहीं ऑन करेंगे, आपका लिंक आप नहीं होगा, बैठ करेंगे आप, तो उसकी वजह से मोस्टली जो है यही प्रेफर किया जाता है कि आप ईडीएफएस ही यूज करें। अगर रेमन अवॉइड होता है तो यस वी नीड टू अवॉइड रेमन, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, लेकिन रेमन यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपके एम्पलीफायर्स हैं, एम्पलीफायर्स का क्या मकसद है, आपका मेन सिग्नल सर सलमान, ये रेमन का दोबारा जरा बताइएगा कि ये क्यों हम इसको अवॉइड करते हैं या क्यों जरूरी है कि। देखिए, रेमन जो है ना अवॉइड सिर्फ इन स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में हमारी जो फाइबर की जो मेंटेनेंस है ना वो उस क्वालिटी की नहीं होती जिस क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई फाइबर कट आया। ठीक है, फाइबर कट आया, उधर उन्होंने स्प्लाइसिंग की, रीस्प्लाइसिंग की, जो भी किया उन्होंने, बस फाइबर जोड़ दी। ठीक है जी, अब फाइबर उन्होंने जोड़ दी, उसमें जो उन्होंने जॉइंट लगाया है, जो स्प्लाइस किया है, दैट्स अ बैड स्प्लाइस, उसने एडिशनल ऐड कर दिया आपका लॉस। ठीक है, लॉस ऐड कर दिया, या उसमें लॉस नहीं ऐड हुआ, उसमें ना रिफ्लेक्शन इवेंट आ गया कि पावर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जब पावर रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना एक करीब करीब से, अब रेमन के लिए चाहिए क्या कि रेमन ना पहले एक स्कैनिंग करता है। ठीक है, पंप लेजर भेजता है अपनी करीब वाली फाइबर पे। ठीक है, तकरीबन 15-20 किलोमीटर की जो फाइबर है उस पे एक पंप लेजर भेजता है, उस पंप लेजर पे अगर रिफ्लेक्शन आ जाए ना तो वो रेमन पे डिटेक्ट होती है, और रेमन अपना एम्पलीफायर की लेजर जो है ना, मेन एम्पलीफायर की लेजर ऑन ही नहीं करता। सही है, जब वो लेजर ऑन नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो गेन नहीं देगा, गेन नहीं देगा तो आप रिसीविंग सिग्नल रिसीव कर नहीं सकोगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब हम मोस्टली जो फाइबर होती है ना वो ओडीएफ के पास से, मतलब 15-20 किलोमीटर के करीब करीब कोई ना कोई इवेंट आया हुआ होता है। सही है, अब वो जब रिफ्लेक्शन इवेंट आएगा ना तो रेमन हमारा लेजर ऑन नहीं करेगा। तो रिक्वायरमेंट रेमन की क्या है कि भाई मुझे करीब की 20 किलोमीटर की जो फाइबर है इसके ऊपर मुझे कोई लॉस इवेंट, बड़ा लॉस इवेंट नहीं आना चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन इवेंट नहीं आना चाहिए, फिर मैं काम करूंगा। ठीक है, वो जिद्दी टाइप का एम्पलीफायर है। अब जिन लोगों ने रेमन के ऊपर काम किया है, ये एचसी वाले हैं या तीन बैठे हैं एससीओ में भी लगे हुए हैं, तो उनको आइडिया होगा कि यार ये तो ना, अगर यहाँ पे कोई फाइबर हो जाए ना फिर वो पूरी फाइबर में ओटीडीआर के ट्रेसेस ढूंढते रहते हैं कि यार कहाँ पे रिफ्लेक्शन है, कहाँ पे लॉस है, उसको लॉस को रिमूव करेंगे, फिर कहीं जाके रेमन।
सलमान एक क्वेश्चन था यहाँ पे जी, रेमन एम्पलीफायर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे जो हमने लगाई होती है हर हमारे एडीएम के हर 10 किलोमीटर या मतलब 5 किलोमीटर पे आप समझ लो कि ट्रे वगैरह लगी होती है, तो रेमन उसको भी रिफ्लेक्ट करता है फिर? हाँ, कोई भी इवेंट आएगा, कोई इस तरह की चीज होगी उस पे ना वो रिफ्लेक्शन आएगी। एक मिनट, तो रेमन फिर तो मतलब रेमन इतना यूजफुल ना हुआ क्योंकि तीन में या हर किधर मतलब ट्रे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन लगी होती है हर किधर, इसको कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं है कि मतलब कुछ आइडिया हो रेमन को इस तरह का? क्योंकि हमारे तो रेमन आपको पता है किसी में हर किधर रेमन हमारे इसी वजह से जो है ना रेमन एम्पलीफायर रेमन पार्ट एम्पलीफायर का यूज। हसन यार एक मिनट काइंडली जरा प्लीज एक मिनट जरा होल्ड करें। ओके कॉल आ गया, ठीक है। जी जी मैं ये कह रहा था कि वतीन में या हर किधर मतलब एडीएम के बाद जो है ना ट्रे होती है जिसपे फाइबर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है डायरेक्शन चेंज, तो उसमें फिर रेमन आपने कहा कि रिफ्लेक्ट करता है, सेम इसी तरह कंडीशन फिर हमारे एचसी में भी है जिसमें रेमन पार्ट्स वगैरह जो है ना रेमन आर ए यू के रेमन पार्ट यूज करते सिर्फ एम्पलीफायर पार्ट यूज कर रहे होते हैं। इसीलिए रेमन के लिए एक और भी प्रैक्टिस जो है वो की जाती है, वो प्रैक्टिस ये है कि वैसे तो आप अगर नॉर्मल एम्पलीफायर हो नॉर्मल सिस्टम हो तो आप ODF के ऊपर वो कपलर पे लगा रहे होते हैं राइट, लेकिन रेमन के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप कपलर के ऊपर ना कनेक्ट करें। रेमन के लिए आपने पिगटेल के ऊपर जो रिसीविंग की जो पैच कॉर्ड है ना वो पिगटेल पे आपने स्प्लाइस करनी होती है, ग्लास थ्रू करनी होगी ना मतलब ग्लास थ्रू। एग्जैक्टली वो स्प्लाइस करेंगे तो वो सही करेगा, अगर इवन आपने कपलर भी लगाया है ना तो कपलर पे भी वो अक्सर काम नहीं करता, तो कहाँ कहाँ तो आपका ये पूरा एक ODF आ गया, टाई ODF आ गया या कोई 10 किलोमीटर के बाद दोबारा ODF आ गया, रेमन नहीं काम करेगा, इसीलिए अगर रेमन नहीं काम करा तो उसके लिए फिर दो सोल्यूशन है आपके पास, या तो अपनी फाइबर ठीक कर ले या फिर आप डिस्टेंस जो है दो नोड्स के दरमियान में वो कम कर दें, एक को लेयर और कोई इसका वो सामान। भाई एक बात बताइएगा, ये BA LA और TA ये क्लासिफाई कर दे कि जैसे आपने बताया कि हम BA एम्पलीफायर को बूस्टर ही क्यों कह रहे हैं या रिसीविंग एम्पलीफायर पे आप प्री एम्पलीफायर लगा रहे होते हो ठीक है, और जो दूसरा है क्या कहते हैं जो OLA है उसको आप लाइन एम्पलीफिकेशन कह रहे हो, इन बिटवीन जो एम्पलीफिकेशन हो रही है वो लाइन ट्रांसमिशन के टाइम पे जो एम्पलीफिकेशन हो रही है दैट इज क्या क्या नाम है उसका बूस्टर एम्पलीफायर, और जो रिसीविंग पे है वो प्री एम्पलीफायर ठीक है। कोई गेन में तो फर्क नहीं होता इनके गेन्स में? ये नहीं, सेम ODF से होते हैं। अच्छा, हम लोग रेमन जो यूज करते हैं वो रिसीविंग एंड पे करते हैं जब हमारे पास फाइबर पे लॉसेस ज्यादा हो। फॉरवर्ड रेमन भी कर सकते हैं ठीक है,
तो रेमन फिर काम क्यों छोड़ता है बैड स्प्लाइस पे, उसमें भी तो लॉस ही ऐड हो रहा है। किस पे? अगर बैड स्प्लाइस होता है तो तब भी तो फाइबर में लॉस ही ऐड होगा ना एक तरह से। नहीं नहीं देखें, बैड स्प्लाइस का मतलब है कि वो एक लॉस इवेंट है करीब की फाइबर, ठीक है, एक पॉइंट लॉस है जो एक रेगुलरली वो आ रहा है, सही है, और एक ये है कि एक लॉस इवेंट है जो कि आवाज आपकी नहीं आ रही, सॉरी, एक लॉस इवेंट है, सही है, जो कि क्या है, एक एबनॉर्मल चीज है कि एक कहां तो आपका एक पॉइंट लॉस था कि एक किलोमीटर में 0.3 लॉस आ रहा था, ठीक है, और एक था कि आपका एक पॉइंट के ऊपर जो है वो 0.4 लॉस या 0.3 लॉस आ गया, डिफरेंस है ना, मतलब पर किलोमीटर अगर लॉस ज्यादा हो तो ये चलेगा, लेकिन ऑन अ सिंगल पॉइंट नहीं चलेगा। हाँ, और रिफ्लेक्शन अगर आ जाएगी, रिफ्लेक्शन आ जाएगी तो नहीं करेगा। सही, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है? यार सीवर सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी है ना इस पे मतलब आपका अगर -30, -31, -35 तक भी आपका अगर सिग्नल आ रहा होता है ना तो रेमन उसको खींच के ले आता है, सही है। वो जो पंप लेजर होती है ना, पंप लेजर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पहले पंप लेजर है वो एक्चुअली आपके सिग्नल को फेच कर रही होती है, ठीक है, वो उस डिस्टेंस पे जाके जो सिग्नल होगा ना उसको फेच करेगी, इवन इफ इट सुपरवाइजरी चैनल, ठीक है, बाकी जो EDF है ना, EDF है सुपरवाइजरी चैनल को नहीं कर रहे होते, एम्पलीफाई नहीं कर रहे होते, लेकिन रेमन एम्पलीफायर क्या करते हैं, आपके सुपरवाइजरी चैनल को भी फेच करके लेके आता है और उसको भी एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वाइड बैंड एम्पलीफायर है, ये हमारे मेन सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर रहा है और ये हमारे OSC को भी एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ है। इसका मतलब जो एक थ्रेशोल्ड है वो काफी लोअर है, -35 के करीब करीब ये डिटेक्ट कर देता है। अच्छा, फिर आपका ऑप्टिकल सुपरवाइजरी चैनल आ जाता है, ऑप्टिकल सुपरवाइजरी चैनल जो है ये मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है DWDM नेटवर्क्स में, एक 2 MB/s का एक सिग्नल होता है और ये इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1510 होती है और 1490 भी अब आपकी इन प्रैक्टिस है, 1490 की भी सुपरवाइजरी चैनल्स आ रहे हैं हवावे के सिस्टम्स में और 1510 के भी सुपरवाइजरी चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है। सलमान भाई, एक क्वेश्चन था, वो जो आपने ऊपर OTU बताया, उस OTU के नीचे एक डायग्राम बनी है जिसमें क्रॉस कनेक्शन का जिक्र है। OTU देखें, OTU जो ट्रांसपोंडर यूनिट है ना, ट्रांसपोंडर यूनिट में क्या चीज हो रही होती है, आपका एक लाइन यूनिट होगा, एक ट्रिब्यूटरी यूनिट होगा, ठीक है, उन दोनों यूनिट्स को कंबाइन किया जा रहा है, क्रॉस कनेक्ट की बेस पे, ठीक है, ये क्रॉस कनेक्ट्स किस में है, एक सिंगल कार्ड के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक पोर्ट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पोर्ट्स ट्रिब्यूटरी की हैं, स्पेसिफिक पोर्ट्स लाइन की, उनके आपस में क्रॉस कनेक्ट बने हुए हैं विद इन कार्ड, ठीक है, और जो ऑप्टिकल, सॉरी, ये पॉइंट्स रिपीट कीजिएगा, आपकी फिक्स पोर्ट्स एंड ट्रिब्यूटरी की, जैसे कोई ट्रांसपोंडर होता है ना आपका, ट्रांसपोंडर में क्या होता है, एक लाइन की पोर्ट होती है और दो क्लाइंट की हो गई, तीन क्लाइंट की हो गई, ठीक है, उनके प्री डिफाइंड ऑलरेडी क्रॉस कनेक्ट बने हुए होते हैं विद इन कार्ड, ठीक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये वो क्रॉस कनेक्ट। तो ये सलमान भाई, ये क्रॉस कनेक्ट कैपेसिटी का जो जिक्र होता है, ये क्या चीज है? दैट इज OTU, वो OTN के अंदर। सॉरी, आवाज नहीं आई।
वो ओटीएम के अंदर होगा, वो जो क्रॉस कनेक्शन कैपेसिटी वाली जो चीज है ना वो होती अच्छा, और ये क्रॉस कनेक्ट यूनिट जो है, जिसका कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कि सिर्फ ओटीयू यानी दोनों काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहां पे ट्रिब्यूटरी अलग और लाइन अलग यूज हो रहा होता है, तब क्रॉस कनेक्ट यूनिट वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नहीं, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो, ये क्रॉस कनेक्ट यूनिट है, आप इसको कह लो कि लाइन पोर्ट और ट्रिब्यूटरी पोर्ट जो है ना, ठीक है, उसके बीच में फिक्स्ड क्रॉस कनेक्ट है, फिक्स्ड कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्टिविटी हुई है, ठीक है। ये कार्ड है, वो जो आपका लाइन कार्ड अलग है, ट्रिब्यूटरी कार्ड अलग है, और उसके जो क्रॉस कनेक्शन होते हैं, क्रॉस कनेक्शन कैपेसिटी वो WDM में नहीं होती, वो OTN में होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये सिंपल आप कह लें कि ये उनका फिजिकल कनेक्शन हुआ है, जो कि चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। अभी जब मैं आपको OTN बता रहा हूँ ना, तो OTN में आपको ये बहुत चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक सर, एक क्वेश्चन है। जी जी, हेलो। जी जी सर, ये OSC चैनल का जो आपने बताया 15-10 नैनोमीटर पे, ये ग्रे चैनल है या कलर्ड? ये आपका कलर, यानी ग्रे के लिए कंडीशन है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये भी आपका कलर्ड में होना चाहिए। सॉरी, ये भी ग्रे में ही है, ये भी ग्रे में ही आएगा, ये भी आपका वाइड स्पेक्ट्रम होता है OSC जो है ना। लेकिन सर, आपने ग्रे के केस में तो बताया था कि 13, 10 और 15, 50 नैनोमीटर वेवलेंथ होगी। क्लाइंट के, वो क्लाइंट के, ये क्लाइंट का नहीं है, ये सुपरवाइजरी है, इसका सिर्फ एक ही सुपरवाइजर जो 15, 50 and 15 13, 10 जो बताए थे ना, वो क्लाइंट एंड पे जो आपका स्टैंडर्ड ग्रेड यूज होता है, ये वो बने 50 होते हैं। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जो के ट्रैफिक कैरी कर रहे हो, अभी आ रही है आवाज? हेलो सर, बहुत बहुत ईगो आ रही है, ईगो आ रही है, बच्चों को भी ईगो आ रही है, हेलो। अभी बेहतर है? जी बेहतर है। अच्छा, जो सुपरवाइजरी चैनल है ना, ये आपका एक फिक्स 2 MB का सिग्नल है, ठीक है, वो 2 MB का सिग्नल कैरी करने के लिए इसका मकसद ही सिर्फ एक चीज है, सुपरविजन, ठीक है, ये ट्रैफिक कैरी नहीं करता, ये डिफरेंट चीज है, और है ये भी ग्रे चैनल ही, ये भी वाइड स्पेक्ट्रम पे ही वो आप ट्रांसमिट कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जो 13, 10 और 15, 50 वाली जो SFPs होती हैं, वो आपकी ट्रैफिक को कैरी कर रही होती हैं, वो डेटा के लिए होती हैं, उनकी कैपेसिटी आप इसको क्या कहते हैं, 10G और इवन 100G की भी हो सकती है, तो वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, हेलो जी, कंटिन्यू करें जी सलमान भाई। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मोड्स के हैं आपके, सिंगल फाइबर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन। A single fiber unidirectional WDM system uses two optical fibers, ठीक है जी। इसमें single fiber unidirectional में क्या है कि आपकी
दो फाइबर्स यूज होंगी जो कि हम कॉमनली यही मोड यूज कर रहे होते हैं कि एक ट्रांसमिट के लिए आपकी अलग फाइबर होती है और रिसीविंग के लिए आपकी अलग फाइबर होती है। रिसीविंग सिग्नल डिफरेंट फाइबर पे है, मतलब आपको क्या चाहिए, एक फाइबर पेयर चाहिए डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के लिए। द डब्ल्यू डी एम सिस्टम कैन यूज द ह्यूज बैंडविड्थ रिसोर्सेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सो दैट द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ईच ऑप्टिकल फाइबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय सेवरल टू डजंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है कि कहाँ एस डी एच एक 10G का सिग्नल लेके जा रहा था, कहाँ अब हम 96 टेरा की बात कर रहे होते हैं। इन अ लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन नेटवर्क वेवलेंथ्स कैन बी एडेड ग्रेजुअली बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्विस वॉल्यूम टू इंप्लीमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशंस। मोस्ट डब्ल्यू डी एम सिस्टम ऑन लाइन नेटवर्क यूज द सिंगल फाइबर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स जो है इवन पाकिस्तान में भी मोस्टली आपका यही मोड यूज कर रहे हैं कि सिंगल फाइबर जो है वो एक या तो ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही है, ट्रांसमिट साइड के लिए यूज होती है, या रिसीविंग साइड के लिए यूज हो रही है, एक पेयर यूज हो रहा होता है आपके पास। ठीक है, दूसरा ये है कि सिंगल फाइबर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सिंगल फाइबर है और बाई डायरेक्शनल है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही फाइबर आपकी ट्रांसमिट के लिए भी यूज हो रही है और एक ही फाइबर आपकी रिसीविंग के लिए भी यूज हो रही है। ये हमारे यहाँ पे एक कस्टमर ट्रांसफर्ड है, वो ये वाला सॉल्यूशन यूज कर भी रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपकी एक सिंगल फाइबर के ऊपर डब्ल्यू डी एम सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन उसमें कैपेसिटी आपकी हाफ रह जाती है। ठीक है, वो हाफ कैसे रह जाती है मैं आपको बताता हूँ। सिंगल फाइबर डायरेक्शनल फाइबर बाई डायरेक्शनल डब्ल्यू डी एम सिस्टम यूजेस ओनली वन ऑप्टिकल फाइबर टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल्स इन टू डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। ठीक है, एक सिंगल फाइबर है, उसी पे ट्रांसमिट होगा, उसी पे ही रिसीव होगा। द ऑप्टिकल सिग्नल्स इन द टू डायरेक्शन शुड यूज डिफरेंट वेवलेंथ्स। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ट्रांसमिट के लिए आप डिफरेंट वेवलेंथ यूज कर रहे हो और रिसीविंग के लिए डिफरेंट वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको अगर ये ऊपर जो डायग्राम है इसमें अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक सिंगल ओटीयू है, सही है, सिंगल ओटीयू है, ये रिसीविंग के लिए एक कलर यूज कर रहे और ट्रांसमिट के लिए दूसरा कलर यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी कैपेसिटी जो है ना DWDM सिस्टम की, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कि लेट से आप पहले 40 10G के लैम्डाज या 40 100G के लैम्डाज यूज कर सकते होते थे, लेकिन इस सॉल्यूशन में इस सोल्यूशन में आपका क्या हो रहा है, इस सोल्यूशन में आप 20 लैम्डाज यूज कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दो लैम्डाज यूज कर रहे हो एक लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, कि आप फर्स्ट करें 192.1 आप ट्रांसमिट के लिए यूज कर रहे हो तो 194.1 आप रिसीविंग के लिए यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एक चैनल जो है ना वो एस्टेब्लिश होगा। When optical signals need to be amplified to extend the transmission distance, components such as bidirectional optical fiber amplifiers and optical circulators must be used. However, the noise figure is relatively poor. लेकिन उसमें आप हो क्या रहा है कि आपके पास ट्रेड ऑफ क्या है कि एक तो नॉइस फिगर इनकी पुअर है, ठीक है, ऑप्टिकल क्या कहते हैं फाइबर एम्पलीफायर आपको ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ना, बाई डायरेक्शनल ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो कि एट अ टाइम आपको ट्रांसमिट रिसीव कर रहे होंगे, और ऑप्टिकल सर्कुलेटर्स चाहिए आपको। ऑप्टिकल सर्कुलेटर क्या कर रहा होता है, वो आपके सिग्नल को वो करता है, मतलब उसकी ना वो आइसोलेट कर रहा होता है, एक वेवलेंथ को दूसरे वेवलेंथ से आइसोलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी भी कोई इंसर्शन लॉसेस होंगे, जो कि इंसर्शन लॉसेस होंगे उसके डिफरेंट, उसके नॉइस फिगर्स होंगी, जिसकी वजह से आपका सिग्नल जो है वो
पुअर नाइस फिगर और जो उसकी बेटर रेट है वो डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेजर ट्रेड ऑफ क्या है कि कहाँ आपका एक सिस्टम 40 लैम्डास को सपोर्ट कर रहा था लेट से, तो अब सिंगल फाइबर बाई डायरेक्शनल के केस में एक सिस्टम आपका कितनी वेवलेंथ का सपोर्ट कर, कितने क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहा होगा, 20 क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहा है, ये इसका ट्रेड ऑफ है। सर ये इंसर्शन लॉस का थोड़ा बता दें। यस, इंसर्शन लॉस किसी भी ऑप्टिकल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसमें होता यह है कि आप लेट से एक पोर्ट पे कनेक्ट करते हो, ठीक है। अब वो पोर्ट इतनी अच्छी तो नहीं होती कि यार उसने जो पावर रिसीव की है ना वही वो आगे फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। उस पे कुछ मटेरियल लगा हुआ होगा, कोई भी एक कोई मटेरियल, जिस भी मटेरियल की चीज बनी हुई होती है ना, ठीक है, उसने आपको एक लॉस देना, ठीक है। बीट फाइबर सही है, बीट कोई प्लास्टिक है, कोई भी चीज है सही है, उस पोर्ट पे पावर आएगी तो आगे जो पावर जा रही होगी उस पोर्ट से गुजरने के बाद थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। लेट से आप एक ODF की एग्जांपल ले लो, सिंपल ODF की एग्जांपल ले लो, सही है। ODF क्या करता है, ODF पे आप पैच कॉर्ड लगाते हो, ठीक है, कपलर पे आप पैच कॉर्ड लगाते हो और दूसरे एंड पे जब आप पावर देख रहे होते हो ना, फर्ज करो आपने पावर ट्रांसमिट की थी 1, सही है, और जब आप कपलर के दूसरे एंड पे पावर रिसीव करते हो ना तो वो होती है 0.3, ठीक है। तो वो कितनी कम हो गई, 0.7 dB पावर कम हो गई। वो किसने कम की, कपलर ने कम। तो वो कपलर का जो इंसर्शन लॉस है ना वो क्या हो जाएगा, 0.7 dB जो है ना वो कपलर का इंसर्शन लॉस होगा, ठीक है। कि कोई भी कंपोनेंट जो है, कोई भी कार्ड जो है वो आपकी पावर रिसीव करके आगे कितना उसके अंदर लॉस ऐड कर रहा है, दैट इज नोन एज इंसर्शन लॉस। ये हर ऑप्टिकल कंपोनेंट में इंसर्शन लॉस आप कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन मोड्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मोड कौन सा है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। एन इंटीग्रेटेड DWDM सिस्टम डज नॉट यूज द वेवलेंथ कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। इट रिक्वायर्स दैट द वेवलेंथ फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टर्मिनल्स कंप्लाई विद द DWDM सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मैं कलर्ड SFPs की बात कर रहा था ना, कलर्ड SFPs की, कि आप SDH पे ही कलर्ड SFP लगा दो, ठीक है, और डायरेक्ट मक्स डीमक्स के ऊपर कनेक्ट कर दो, ठीक है। या आपकी कोई IP की डिवाइस है जो कि कलर्ड SFP को सपोर्ट कर रही है, तो IP डिवाइस पे आप क्या करो, सिंपल कलर्ड SFP लगाओ और आगे मक्स डीमक्स पे एट ऑफ कर। तो ये क्या होगा, ये आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम आ जाएगा, कि आपको पहले वो कन्वर्जन नहीं करनी पड़ रही कि पहले आप कलर्ड वेवलेंथ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप रेगुलेटरी पोर्ट के थ्रू या क्लाइंट पोर्ट के थ्रू आप आगे क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये डायरेक्ट आपके क्लाइंट से ही कलर्ड वेवलेंथ निकल रही है और आगे मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर में एड अप हो रही है, ठीक है जी। इस सिनेरियो को आप क्या कहोगे, मतलब OTU वाला पोर्शन इसमें नहीं चाहिए। हाँ, OTU वाला पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें सिंपली क्लाइंट एंड पे एक कलर्ड SFP लगी हुई होगी जो कि कोई लैम्डा ट्रांसमिट कर रही होगी, जो कि आगे कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर में चला जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो कुछ कस्टमर्स हैं ऐसे जिन्होंने मतलब किया हुआ है, ये अप्लाई हुआ है वहां पे के SDH के ऊपर उन्होंने अपने कलर्ड SFP ही लगाए हुए हैं 192.1 192.2 समथिंग के, ठीक है, और आगे वो फिर वो SFP डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर को फीड कर रहे हैं।
ठीक है सलमान जी, माने जो आप बता रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम का, इसमें हमें हुआवे का अगर फॉर एग्जांपल DWDM है तो जो क्लाइंट है वो भी हुआवे की SFP यूज करेगा या कोई भी SFP यूज कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विच से डायरेक्ट देता हूँ आउटपुट तो वो काम कर जाएगा इसमें? स्विच से बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल कर लेगा, बस कलर देनी होगी फ्रीक्वेंसी का वो। हाँ, कि एक स्विच है उसके वो अगर सपोर्ट करता है कलर को और वो स्टैंडर्ड है 192.1 समथिंग करके कुछ आ रही है सिंपल, वो उसको ट्रांसमिट करेगा और आगे भी आप डायरेक्ट स्विच के ऊपर लगा देंगे तो आपको हो जाएगा वो एज एक एलियन वेवलेंथ का कंसेप्ट होता है ट्रांसमिशन DWDM नेटवर्क्स में, कि एक वेवलेंथ है जो कि किसी और वेंडर से है या किसी और जगह से ट्रांसमिट हो रही है लेकिन कैरी जो है वो हमारे DWDM सिस्टम कर रहा है। अच्छा, ये यूज हो रहा है, ये एलियन वेवलेंथ का कांसेप्ट बिल्कुल यूज हो रहा है, डिफरेंट वेंडर्स जो है वो उसमें इसको करते हैं। आपने तो क्या बताया, एलियन वेवलेंथ? एलियन वेवलेंथ एक किसी और इसका ये इसका कांसेप्ट ये है कि किसी और वेंडर के सिस्टम से, ठीक है, किसी और वेंडर के सिस्टम से आप एक वेवलेंथ उठाते हो और WDM जो एग्जिस्टिंग WDM है बेग बैक बोन उसके अंदर आप उसको ट्रांसमिट कर देते हो, ठीक है, तो वो आगे ट्रांसमिट होगा। सर एक क्वेश्चन है जी, जी जी सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, इसमें जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है इस केस में वो जो OTU जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है डाइवर्स वेवलेंथ को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में, तो वो कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि हम OTU क्या कर रहा था, OTU कलर्ड वेवलेंथ रिसीव कर रहा था, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहा था, कि वो मतलब एक कलर्ड वेवलेंथ को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था कि यार हमारा क्लाइंट जो है ना उसको फिर समझ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाइंट ही वो ट्रांसमिट कर रहा है और क्लाइंट ने ही वो रिसीव करना है, तो उसने सिर्फ क्या करना है कि वो कलर्ड वेवलेंथ को रिसीव करेगा, उसकी ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करेगा और वो डाटा क्लाइंट के पास होगा। सलमान इसमें एक चीज और बताएं, इसमें कितनी SSPs इस्तेमाल होगी कलर वाले? सॉरी, इसमें नंबर ऑफ SSPs तो बढ़ जाएंगी ना, मतलब अगर इस तरह से अगर सिनेरियो को देखा जाए? नहीं, इसमें नंबर ऑफ SSPs तो नहीं बढ़ेंगे, इसमें इनफैक्ट आपका एक जो कंपोनेंट है वो माइनस हो रहा है इधर सिस्टम से। तो मतलब सर ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है? कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल है, लेकिन उसमें फिर ये है कि अब जैसे आपकी एक वेवलेंथ है, क्योंकि जब आगे OTN का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है, या DWDM में ट्रांसपॉन्डर या मक्सपॉन्डर का कंसेप्ट आ जाएगा, तो वो ये होता है कि या तो होना कि आपका ये 10G की ही पोर्ट थी, सही है, और आपने 10G का 10G ही यूज करना था, अब आपको चाहिए होती है कैपेसिटी चाहिए होती है 1G की, ठीक है, तो उसमें आप का क्या सिनेरियो होता है कि लाइन पॉइंट जो लैम्डा है वो तो 10G का है लेकिन आगे वो 10 1G की पोर्ट्स आपको दे रहे हैं, जैसे ई लॉग का कार्ड होता है या इस तरह का कार्ड होते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं कि आप एक कलर्ड वेवलेंथ आई है आपकी 10G की, उसको 10 1G के अंदर उसने डिवाइड किया, ठीक है, और वो आपने क्लाइंट को डिफरेंट क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर दिया, और कहां पे आप एक क्लाइंट को सिंपल आप 10G की एक पोर्ट दे देंगे बेशक उसकी जरूरत हो या ना, अगर तो आपकी वो जरूरत पूरी कर रहा है कि आपकी 10G की ही पोर्ट थी, सही है, आपने सिंपल क्या किया, आपने एक 10G का इंटरफेस दे दिया उसे और डायरेक्ट मल्टीप्लेक्स कर दिया, तो वो तो ओके है, जैसे SDH के केस में, SDH के लाइन के केस में आप ये कर सकते हो कि आप SVM64 का जो है ना वो सिंपल आगे कर दो, लेकिन जब आपने ट्रैफिक एक इफेक्टिवली एफिशिएंटली आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको यूटिलाइजेशन करनी है, तो उसमें फिर ये चीज जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती, ठीक है।
इंटीग्रेटेड सिस्टम का हो गया है, अब आ गया ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या कह रहा है, ओपन सिस्टम में आपके पास ओटीयू आ जाते हैं। ओटीयू क्या कर रहे हैं कि लैम्डा को वो रिसीव करते हैं, रिसीव करके वो हैंड ओवर कर रहे हैं क्लाइंट को। ठीक है, ये क्लाइंट एक भी हो सकता है और ये क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी हो सकते हैं कि डिफरेंट सो मेनी क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एक ही लैम्डा की में 10 क्लाइंट्स की ट्रैफिक आ रही है तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो ओटीयू के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही क्लाइंट है और एक ही लैम्डा है तो वो आप फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप उसको इंटीग्रेटेड जो एप्लीकेशन मोड है उसमें कर सकते हो। An open DWDM system requires that the optical interfaces of multiplexing terminals comply with ITU-OT standards. The DWDM system uses the wavelength conversion technology to convert the optical signals of multiplexing terminals into specified wavelengths. ठीक है, the optical signals of different terminals are converted into different ITU-OT compliant wavelengths and are multiplexed. कि वो client से handover लेगा, क्लाइंट से सर्विस लेगा, उसको किसी कलर्ड वेवलेंथ के ऊपर कन्वर्ट करेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। ओईओ कन्वर्जन जो है वो ओटीयू कर रहा होता। एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूडीएम पे आ जाए, अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी है, कैपेसिटी बहुत हाई है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है नियर फ्यूचर। ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है, ट्रांसपेरेंट पाइप्स हैं, हमें कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं कि किस पे कौन सी ट्रैफिक जा रही है, तो वो जो आपकी इंक्रिप्शन है वो सारी चीजें आपकी WDM आपको प्रोवाइड करता है। आप WDM के सिस्टम से कहीं इसको इंटरवीन करके कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे होता है ना कि IP का तो शायद इस तरह का कुछ हो सकता हो कि क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही ट्रैफिक आपका कैरी कर रहा होता है ना, पैकेट ट्रेस आप कर सकते हो। SDH पे भी आएंगे आप पैकेट ट्रेस कर सकते हैं, PTN में पैकेट ट्रेस कर सकते हैं, WDM में नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन है ड्यूरिंग सिस्टम अपग्रेड्स। आप सिंपल आप ने एक्सपेंशन करनी है, आप दो पार्ट्स लगाएंगे आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी हाई रिस्क एक्टिविटीज नहीं होती इसकी। हाई नेटवर्किंग फ्लेक्सीबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको एक्स्ट्रा फाइबर्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं चाहिए होती, और कंपैटिबिलिटी है विद ऑल ऑप्टिकल स्विचिंग। ठीक है, जो आजकल जितने भी ऑप्टिकल स्विचिंग के जितने भी स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उनके साथ ये कंपैटिबल है। ये अब हम DWDM की बात कर लेते हैं। DWDM is dense wavelength division multiplexing, same वही technology है, लेकिन dense wavelength division multiplexing का मतलब है कि यहाँ पे आप बहुत densely multiplex कर रहे हैं, बहुत so many channels हैं जिनको आप multiplex कर रहे हैं। WDM में CWDM का concept आता है, coarse wavelength division multiplexing, जिसमें maximum 8 या 16 wavelengths मल्टीप्लेक्स हो रही होती है। DWDM में आपके इवन वेवलेंथ और ऑड वेवलेंथ का कांसेप्ट आ जाता है। ठीक है, सी बैंड की अगर हम बात करें, अच्छा ये जो बैंड्स है ना ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सी बैंड की रेंज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सी बैंड की रेंज जो है वो है 192.1 से लेकर 196 तक। ठीक है जी, ये देखें, अब ये 192.1 टेराहर्ट्ज ये क्या है, ये क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये इसको कह रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्यों कह रहा है, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइट स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग इट वेवलेंथ। लेकिन जब हम वेवलेंथ को आइडेंटिफाई किया करेंगे WDM सिस्टम में तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग आई वाज सेइंग के फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज एक्चुअली डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये वो वाली चीज है। अच्छा, अब सी बैंड है, सी बैंड को फर्दर सी और सी प्लस में या इवन या ऑड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
ईवन को आप सिंपल सी बैंड कहते हैं जो कि है 192.1 से लेकर 196.0 पे, ठीक है, और वेवलेंथ्स हैं 192.15 से लेकर 196.05, ठीक है। इसका अब सी बैंड में एक और आप कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए एक और ब्रेक थ्रू आया है, वो ब्रेक थ्रू क्या है, एक्सटेंडेड सी बैंड, सही है। वो एक्सटेंडेड सी बैंड आपको क्या कह रहा है कि आपको इवन में भी और ऑड में भी 8-8 और एक्स्ट्रा वेवलेंथ्स दे रहा है, ठीक है। वो वेवलेंथ्स कौन सी हैं? अब सी बैंड आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 192.1 से, एक्सटेंडेड सी आपका स्टार्ट हो रहा है 191.3 से, ठीक है। तो अगर आपका एक्सटेंडेड सी बैंड यूज हो रहा होगा किसी सिस्टम में तो उसका क्या मतलब है कि आपका 48 वेवलेंथ सिस्टम होगा, सही है, इवन पे, और इसी तरह 48 वेवलेंथ आपकी ऑड में भी यूज हो रही होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी हो गई, 48 + 48 = 96, ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर बात आ जाती है चैनल स्पेसिंग की, ठीक है, इवन वेवलेंथ्स में चैनल स्पेसिंग कितनी है, 192.1 है अगर, तो अगला चैनल होगा 192. सिंपल सी जो है वो 80 वेवलेंथ नंबर सिस्टम है, हाँ जी 80 वेवलेंथ सिस्टम है, और जो एक्सटेंडेड सी है वो 96 है, और एक अब सुपर सी भी आ रहा है वो 120 वेवलेंथ, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज है कि इवन वेवलेंथ में पहला अगर लेमडा है 192.1 तो दूसरा लेमडा कौन सा होगा, 192.2, मींस चैनल स्पेसिंग कितनी होगी 100 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है, 100 गीगाहर्ट्ज की चैनल स्पेसिंग होगी। इसी तरह से अगर ऑड वेवलेंथ में पहला लेमडा है 192.15 तो दूसरा लेमडा होगा 192.25, इसमें भी 100 गीगाहर्ट्ज की चैनल स्पेसिंग है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो पहला लेमडा होगा 192.10 और उसके बाद कौन सा लेमडा आएगा, 192.15, ठीक है। तो इसमें अब चैनल स्पेसिंग कितनी रह गई, 50 गीगाहर्ट्ज की रहेगी, ठीक है। तो अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई सिस्टम 48 या 40 लैम्डा सिस्टम है या 80 या 96 लैम्डा सिस्टम है तो वो हम किस बेस के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, चैनल स्पेसिंग के ऊपर, ठीक है, कि जो चैनल स्पेसिंग है 40 लैम्डा सिस्टम में वो कितनी होगी, 100 गीगाहर्ट्ज, जो 96 या 80 लैम्डा सिस्टम है उसमें चैनल स्पेसिंग आपकी कितनी हो जाएगी, 50 गीगाहर्ट्ज। और वो किस तरह से हम रियलाइज कर रहे होते हैं, इवन और ऑड वेवलेंथ्स को कंबाइन करके, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये वाले चैनल स्पेसिंग 50 गीगाहर्ट्ज से भी हाफ होके 25 गीगाहर्ट्ज पे आ जाएगी तो फिर आपके टोटल नंबर ऑफ लैम्डास कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब अगर 80 लैम्डा सिस्टम है तो वो 80 लैम्डा सिस्टम आगे कितना हो जाएगा, 160 लैम्डा सिस्टम चला जाएगा। और अगर एक्सटेंडेड सी बैंड यूज कर रहे हैं आप तो 192 वेवलेंथ्स वो कैरी कर सकेगा एक सिंगल फाइबर पेयर। ठीक है जी, ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है, 160 वेवलेंथ्स इन द सी बैंड आर क्लासिफाइड इनटू odd and even wavelengths, the details are as follows. C band odd wavelengths, there are 80 odd number wavelengths in total. ठीक है, C band में total odd कितनी wavelength है, total 80, 192.15 से लेकर 196.05 तक, ठीक है। और इनकी channel spacing कितनी की हुई है, 160 wavelength system में 50 gigahertz,
ठीक है, अगर ये 80 वेवलेंथ सिस्टम होगा तो ये चैनल स्पेसिंग कितनी होगी इवन सी में या ऑड सी में? 100, ठीक है। इसी तरह इवन में भी 80 है और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 192.1 से 196.0 पे, ठीक है। अब ये देखें 192.1 और 196.0, ये याद रखना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 152.29.55 नैनोमीटर या 1560.61 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज में याद रखना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू। किसी तरह से उसने 192 वेवलेंथ्स का बताया हुआ है कि 192 वेवलेंथ्स में एक्सटेंडेड सी बैंड आ जाते हैं। CWDM ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है कोस्ट वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसमें आपके 8 से 16 लैम्डास जो हैं वो ट्रांसमिट होते थे। कंपेयर्ड विद द DWDM सिस्टम, a CWDM system provides a certain number of wavelengths and a transmission distance within 100 km. ठीक है, उसका transmission distance within 100 km होता था, which improves flexibility while reducing system costs. Therefore, the CWDM system is mainly applied on metro network. Metro networks में जो है वो CWDM system use किया जाता है क्योंकि वहाँ पे इतनी high capacity की या high number of links की ज़रूरत नहीं होती। CWDM system provides high access bandwidth with low cost. Cost low है, जो components हैं वो कम use होंगे as compared to DWDM, processing कम होगी, ठीक है जी। तो अगर कोई CWDM से related question आता है कि CWDM कहाँ पे use होता है, short distance पे high bandwidth चाहिए और dense access points चाहिए तो उनके लिए use होता है। Which of the following are the components of a WDM system? इनमें से WDM system के components कौन कौन से हैं? Four. सारे हैं, सब भी हैं जी, A, B, C, and D. ठीक हो गया सलमान जी। जी तो मेरे question है, CWDM के अंदर पर lambda की हमारे पास मतलब बैंडविड्थ कैपेसिटी कितनी होती है? ये जैसे CWDM के अंदर कैपेसिटी आप बेशक वेंडर है इसके ऊपर कैरी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, सही। देखें वेवलेंथ इज एक लाइट, ठीक है, उसको नहीं आईडिया कि आप क्या कैरी कर रहे हो, आप कौन से क्लाइंट की सर्विसेज कैरी कर रहे हो। जब सिंपल जो आपकी जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी डिपेंड करती है जो आपका रिसीवर है उस पे मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। 16QM है, QPSK है, SPQPSK है, कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। एक मिनट प्लीज होल्ड, ठीक है। सलमान भाई रिपीट कीजिएगा प्लीज। देखें जो कैपेसिटी है ना, जो 100G का एक लैम्डा जो है वो 100G को कैरी करेगा या 200G को कैरी करेगा, वो चीज डिपेंड करती है कि उसकी जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं वो कौन सी हैं। QPSK है, 256QM है, 16QM है, वो जो उसकी मॉड्यूलेशन स्कीम होगी उसकी बेस पे उसकी कैपेसिटी जो है ना आप कर रहे होते हो। लेकिन वंस वो इंजेक्ट हो गया है लैम्डा इन ए DWDM सिस्टम तो बस वो एक लाइट, ठीक है, तो उसको नहीं पता। ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है किस पे, आपके ट्रांसीवर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कैपेसिटी का, ठीक है। ये सर मॉड्यूलेशन बेसिकली हमारा OTU पोर्शन करता है।
जी जी एग्जैक्टली, ये जो मॉड्यूलेशन है ये सारी आपकी यूट्यूब के ऊपर या लाइन कार्ड के ऊपर मॉड्यूलेशन है। अब हम आ जाते हैं WDM ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा कि काफी एविडेंट है कि इसका ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो ऑब्वियसली फाइबर होंगी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इसका WDM का ट्रांसमिशन मीडिया। और इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखेंगे, फाइबर की टाइप्स होती हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, G652 है, G653 है, 54 है, 55 है, ठीक है, एक के अपने फीचर्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। बीइंग इन पाकिस्तान आप मोस्टली दो तरह की फाइबर्स देख रहे होते हैं, या तो आप 652 देख रहे होंगे या 653, ठीक है, तो मोस्टली ये दोनों ही यूज हो रहे हैं स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में, 653 और 654 का यूज नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर, के ऑप्टिकल फाइबर है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक लेयर होती है क्लैडिंग की, ठीक है, और दूसरी जो होती है इसके अंदर फाइबर कोर होती है जिसके अंदर एक्चुअली सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, और इस क्लैडिंग और फाइबर कोर के बीच में जी सॉरी मेरा ख्याल है गलती से माइक ऑन हो गया, आवाज को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है उसको आप उसके थ्रू मीडिया ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। वो क्या रहा होता है कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो नमाज की ब्रेक कर ले हाँ, फिर अगर ब्रेक करनी है तो हम घंटे की ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है सर, ब्रेक कर लें, अगर एग्रीड हैं तो बस ठीक है, घंटे की ब्रेक कर लेते हैं, 2 बजे हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है सर, नमाज का ब्रेक करते हैं। श्योर श्योर, ओके सर, थैंक यू।